नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। और हमारे सामने है अनरियल इंजन 5.2। ठीक है, यहां पे सामने आप देख रहे हो एक छोटा सा घर है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता हूं कुछ ऐसा। ओके, सो यहां पे मैंने एक्चुअली यहाँ पे बताया है कि आपको ओपनेबल डोर ब्लूप्रिंट में कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लूप्रिंट है। ओके, ये पूरी तरह से मैंने यहाँ पे इसका ब्लूप्रिंट किया है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे है डोर। अगर ये मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये ब्लूप्रिंट है। तो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत हार्ड है, सच में बोलता हूँ। मतलब ऐसा ये नोट्स वगैरह देखा ना, तो आर्टिस्ट जो होता है, हाँ, जो कोर आर्टिस्ट होता है, उसको कैसे होता है 3D मैक्स वेंटेज तुरंत रेंडर, एकदम जो दिखता है वैसे रेंडर होता है, वैसे स्क्रीन अगर देखेंगे तो उनको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, आई एग्री, टोटली एग्री, उसमें कुछ भी ये नहीं है। बट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नोड्स है ना, कौन सा नोड क्या करने से क्या होगा, फ्लिप मतलब लेट्स से कोई जो कमांड है वो कमांड से क्या होगा। ठीक है, बहुतों को ऐसे लगता है कि अगर अपने को ये सब ऑटोमेशन करना है अनरियल इंजन में तो बहुत सारा स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है, C++ में कोडिंग करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विजुअल कोडिंग। ओके, विजुअल कोडिंग मतलब आपको यहाँ से नोड से दूसरा नोड को ज्वाइन करना पड़ता है। यहाँ से अगर मुझे कुछ कमांड चाहिए तो यहाँ पे जो भी मुझे कमांड चाहिए तो मैं यहाँ से कमांड डाल सकता हूँ। ठीक है, खाली एक चीज़ है कि जो आप कमांड लगाने वाले हो उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ पे इवेंट ग्राफ है, ये अपना व्यू पोर्ट है किसका, ब्लू प्रिंट का। ठीक है, यहाँ पे बीपी मेनू है, मतलब ब्लू प्रिंट। सो मैं यहाँ पे मेन्स में आता हूँ, तो ये पूरा स्क्रिप्ट एकदम शुरू से बनाया है मैंने। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक टीवी लगाया हुआ है। ठीक है, सिंपल बॉक्स है और इसमें मेरा वीडियो चल रहा है, पीसी का वीडियो है। बट लेट्स से यहाँ पे अंदर दो लाइट्स भी हैं। ठीक है, ये दो लाइट्स मैंने लगाए हैं, तो उसका मैंने कंट्रोल भी दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट। तो जनरली वॉक थ्रू जो होता है ना, वॉक थ्रू मतलब कैसे होता है, हम देखते हैं और वो अपने सामने जो हम दिखाना चाहते हैं वही सामने वाले को दिखता है। बट इससे क्या होता है, अनरियल इंजन से क्या होता है, हम सामने वाले को अपने इंटीरियर में या एक्सटीरियर में एक गेम की तरह हम उसको प्रेजेंट करते हैं। ओके, गेम की तरह प्रेजेंट करते हैं, इन द सेंस मैं खुद जाता हूँ यहाँ पे, मैं क्लिक करता हूँ या तो डोर ओपन होता है, फिर मैं अंदर जाता हूँ और फिर ये लाइट ऑन ऑफ़ कर सकता हूँ और ये जो टीवी है उसका साउंड जो भी है ऑन ऑफ़ कर सकता हूँ। फिर ये जो डोर्स है ना, सैम्पल डोर्स मैंने रखे हैं बाहर। ठीक है ना, जैसे दुकान के बाहर जो होता है ना, बहुत सारे डोर्स है अपने पास, ये डोर वो डोर ये डोर जो चाहिए हम लगा सकते हैं, वैसे मैंने डोर यहाँ पर रखा है। तो बेसिकली इसको हम यहाँ से कहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, डबल डोर है ये, डबल डोर एक्चुअली मैंने मेरा एक स्टूडेंट है ना, मैंने उसको यहाँ पे डबल डोर का एग्जांपल दिया था, उसके एक प्रोजेक्ट में डबल डोर था। वैसे मैंने सिंगल डोर का एग्जांपल लिया था बट उसको डबल डोर चाहिए था, तो डबल डोर का मैंने उसको शो किया था। ठीक है, व्हाटएवर इट इज़, सो डिपेंड अपने को जो रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, विजुअल कोडिंग करते हैं और उसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ, ठीक है, लेवल प्ले करूँ, तो शायद आपको कुछ साउंड सुनाई देगा। नामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी चैनल देखता हूँ, और सुनाई दे रहा है क्या, मैंने ये नया दिख रहा है। ठीक है ना, मेरा वीडियो चल रहा है। ठीक है ना, ठीक है, सो अगर मैं टैब प्रेस कर दूँ, ये देखो यहाँ से टैब प्रेस करूँ तो देखो नीचे टैब ओपन होता है, नया सिस्टम बनाया है, हो रहा है ना ओपन, ये देखो यहाँ पे नीचे टैब, यहाँ पे क्लिक करता हूँ लिविंग रूम, तो यहाँ से हम सारा चीज ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, मैं अगर वापस टैब प्रेस करूँ, देखो ये टैब प्रेस कर दिया मैंने, लोगों के लिए ठीक है, 4070 Ti नॉर्मल नहीं है ये, टैब टू एडिट, ये भी मैंने बहुत बढ़िया शुरू से बेसिक से बनाया हुआ है, सब कुछ बेसिक से बनाया हुआ है, कुछ यहाँ पे रेडीमेड नहीं है। ठीक है, एनिमेशन में नहीं डालूंगा, सो लेट्स से मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ रिलेटेड के लिए, मैंने तो डोर ओपन चैनल बनाया है, उसका नाम है
रेंडर डोर ओपन हो गया, रेंडर टेक तो आप जाओगे और ये ऐसे देखोगे नाम नहीं तो आ रहा वापस ऑटो क्लोज हो गया। नया चैनल बनाया है ये देखो की फ्रेम्स का ऐसे हो गया ठीक है। मुझे आदत हो अब गया मैं यहाँ पे आता हूँ तो की फ्रेम्स ही मूव पे ये डोर स्लाइड हो गया बट उसका मैंने नाम रखा है रेंडर टेक चैनल। अंदर गया रेंडर से रिलेटेड यहाँ पे मेरा वीडियो चल रहा है मतलब टीवी चल रहा है और यहाँ पे लाइट है। सो लेट्स से मैं टैप प्रेस करता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ ग्राफिक तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया हुआ है उसके सारे डिटेल्स में ऑन है वीडियोस डालूंगा और ये ऑफ है लाइट ऑफ हो कंसंट्रेटेड रहेगा तो यहाँ पे हम आइकॉन दे सकते हैं इसका लाइट का कि मैं जब तो यहाँ पे लाइट का आइकॉन ऑफ करेगा यहाँ पे ऑन करेगा तो मैं जैसे ऑन टेक रिलेटेड डालने मैंने थोड़ा सा आलसी बना किया वो जो आइकॉन है मैंने आइकॉन नहीं बनाया ये रैम है फिर ये सिस्टम है जो आइकॉन था मैंने सोचा उसी के ऊपर बनाऊंगा। ये ट्यूटोरियल्स का चैनल है तो मैं स्पेसिफिकली ट्यूटोरियल से मैं यहाँ से बंद करता हूँ साउंड तो यहाँ से अभी आ रहा है क्या अभी नहीं आ रहा है ठीक है मैंने बंद किया वो तो ये ऑन है लाइट और ये ऑफ है ओके तो मस्त लगेगा मतलब सोचो ना आप आपके इंटीरियर में जा रहे हो यहाँ पे खुल जा सिम और आप यहाँ से बाहर आ रहे हो और फिर मैं वापस टैप प्रेस करता हूँ तो ये देखो पूरा कंट्रोल आ गया वापस राइट ये वापस किया ये माउस भी आ गया तो ये है ठीक है। अगर आपको अनरियल इंजन पूरा डीप में सीखना है ठीक है ना ऐसा नहीं कि खाली ये खाली वो पूरा वॉक थ्रू के साथ सीखना है और उसका स्क्रिप्टिंग भी सीखना है जैसे इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट ओके तो अगर आपको सीखना है तो मैंने नीचे नंबर शेयर किया हुआ है ठीक है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी सो ठीक है। मेरा अभी जल्दी ही नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है मैं एक पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा हूँ मेरा बैच चालू है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं अभी नया बैच शुरू कर रहा हूँ तो इस बीच बीच में मैं आपको बताते जाऊंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है ठीक है ना। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।